हम यहां देख रहे हैं बहुत लोग गाने में शर्मा रहे हैं। शर्माना नहीं है, प्यार से गाना है, क्योंकि गाने के लिए मात्र एक मनुष्य का ही शरीर है। अगर कुत्ता सोचे कि हम गाएं और गाने का प्रयास भी करेगा तब तक पीठ पर चार डंडा लग गया। बिल्ली भी नहीं गा सकती, बैल भी नहीं गा सकता। इसीलिए भागवत महापुराण के पंचम स्कंध के किम पुरुष वर्ष का वर्णन करते हुए भगवान वेदव्यास कहते हैं, लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष समर्थ मदमपि नित्यमपि यह धीर। अरे राम राम, कई जन्म जन्म अंतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर के बाद सप्लीमेंट्री मनुष्य का शरीर मिला है और आज गाने की फुर्सत नहीं है। सब रो रहा है, अकेले कमरे में मिलिया क्या करे महाराज, बच्चे नहीं है। अच्छा, जिसको बच्चे हैं क्या करे महाराज, बच्चा नालायक है। अच्छा, जिसके बच्चे नहीं है वो भी परेशान है, वो भी परेशान, कोई गरीबी से परेशान, कोई अमीरी से परेशान। और उसका एक उपाय है भगवान नाम का स्मरण। यही बात कहा सुखदेव जी ने कि श्रोतव्य कर्तितव्यस्य स्मरतव्यस्य क्षता भयम्। कथा सुनने का फल क्या है, कथा कैसे सुननी चाहिए, का श्रोतव्य कान पार के सुनो, और कथा सुनने के बाद तुरंत कांग्रेस भाजपा की बात मत करो। भागवत मना करता है, नहीं तो पाप लग जाएगा, जीभ में लकवा मार देगा, शास्त्र मना किया है। कथा सुनने के बाद घंटे दो घंटे चुप रहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्य उसी को गुनगुनाओ। संसार की बातें मत करो और तब स्मर्तव्य उसको जीवन में स्मरण करो। भागवत बहुतों ने याद कर लिया, गीता बहुतों को याद हो गई, रामचरितमानस बहुतों को याद है, लेकिन जीवन में कितना उचरा, यह बात बड़े ध्यान से समझेंगे। बोले परिणाम क्या है, बोले अभयम। यही बात अभयम सर्वभूतानाम गीता में भी भगवान कह रहे हैं, जो मेरा शिष्य हो जाएगा, जो कथा पर विश्वास करेगा, जो भगवान की चर्चा पर विश्वास करेगा, वो अभय हो जाएगा। अभय का मतलब कि हत्या मर्डर करते चले, नहीं नहीं, उसके रक्षा की जिम्मेवारी ठाकुर जी स्वयं ले ले, और जिसकी जिम्मेवारी ठाकुर जी ले ले, जिसकी रक्षा अनंत भुजा से परमात्मा करने लगे, तो दो चार दस भुजा वाले क्या कर सकते। इसलिए बड़े प्रेम से हम लोग गाएं, अरे राम नाम रट ले रे।